ये थे जिनको अश्लील तरीके से एडिट कर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। जब मैं कैफे गई तो उसने मुझे फोटो दिखाए और कहा कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वो इन फोटो को वायरल कर देगा। इस डर से मैंने उससे बातचीत शुरू की। कुछ टाइम बाद जब उसे पता चला कि मैं बड़ौदा के लिए घर से निकलने वाली हूँ तो उसने मेरी अहमदाबाद से फ्लाइट की टिकट करवाई और मुझे अहमदाबाद उतरने के लिए कहा। तो मैं अहमदाबाद उन फोटो के डर से अहमदाबाद उतरी और वहाँ से श्रीनगर चली गई। वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ फर्जी दस्तावेज पे साइन करवाए थे जो इंग्लिश और उर्दू में थे, जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे। और फिर जब वो मुझे वहाँ से 3 महीने तक कहीं पाकिस्तान बॉर्डर के पास कोई गांव है वहाँ लेके गया था जो मुझे नहीं पता। और फिर 3 महीने बाद वो मुझे कुपवाड़ा लेके आया अपने घर। वहाँ उसने मुझे उसके भाई ने मुझे मांस खाने के लिए प्रेरित किया, कहा कि तुम्हें गोमांस खाना पड़ेगा, नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, मुस्लिम में बन के रहना पड़ेगा। मैंने मना किया कि मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी, गोमांस नहीं खाऊंगी। तो उसने मेरे साथ मारपीट की और उसके भाई ने मुझे हाथ में गोलियों का डर दिखाया कि गोलियों का वज़न कितना भारी है, जब निकलती है तब धुआं बहुत बुरी तरह से निकलता है। और उसके भाई ने मुझसे एक वीडियो दिलवाया था जो उसके घर में 20 बार रीटेक लिया था उस वीडियो का, और मुझे कहा कि मैं उसके पक्ष में बोलूँ, नहीं बोलूँगी तो मेरे घर वालों की जान को खतरा होगा। बंदूक के डर से उसने मुझसे वो वीडियो दिलवाया था जो मैंने दिया था। तू कैसे आना हुआ वहाँ से वापस निकला? साथ 6 कुछ टाइम बाद गुलजार की जॉब वहाँ श्रीनगर में किसी कैफ़े में लगी थी तो वो मुझे अपने साथ श्रीनगर ले आया। और वहाँ जब वो ड्यूटी पे गया तो मैंने पीछे से टिकट करवा दी और मैं अपने घर आ गई। फिर वहाँ आपके साथ में किस तरीके से अत्याचार होता था और किस तरीके से, मतलब उसके बाद में आप लोग, आपने कभी घर वालों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की या किस तरीके से बातचीत हुई? मेरा घर वालों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। और वहाँ वो मुझे गोमांस खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करते थे, नमाज़ पढ़ने के लिए कहते थे, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहते थे। दिन रात वो मुझे बहुत तंग करते थे, इसी चीज़ को लेकर वो मुझे टॉर्चर करते थे। और उसके भाई की नज़र भी मुझ पर अच्छी नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स बने थे, जो डॉक्यूमेंट बने थे उसमें जिस तरीके से बताया गया, कोर्ट में गए थे उसके बाद में जो शादी के डॉक्यूमेंट, क्या उसमें सच्चाई है या आपसे सब साइन करवाए गए थे? वो सब झूठ है, मैं कभी कश्मीर गई नहीं थी। दस्तावेज़ों पे जो तारीख है तब मैं अपने बुआ के घर बॉम्बे थी और बाड़मेर में कॉलेज में एग्ज़ाम दे रही थी। मैं कभी पहले श्रीनगर नहीं गई थी और कभी मैंने हाई कोर्ट में पेश होकर शादी नहीं की है। वो सारे दस्तावेज झूठे हैं, उसने मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे और उनको शादी के कागजात बनवा दिए। मेरी मौजूदगी में ये सब नहीं हुआ है। ऋतु, उसके साथ जो आप रही 6 महीने वहाँ, वो सिर्फ एक ब्लैकमेल के हिसाब से वहाँ रही, ब्लैकमेल के डर से वहीं रही? जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से उसके बाद में आप यहाँ आ गई, उसके बाद में आपने पुलिस से यहाँ मदद मांगी है, क्या पुलिस आपकी मदद कर पा रही है या अब आपको उसकी ओर से वापस कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई है, क्या है? हमने पुलिस से कहा कि मेरे 164 के बयान करवाए जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि करवाएंगे, पर 1 महीना हो गया अभी तक मेरे बयान नहीं हुए हैं। और वहाँ से वापस कोई पुलिस ने नोटिस वोटिस आपको दिया वहाँ से, जम्मू कश्मीर से कुछ? नहीं। और उस गुलजार ने क्या आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? मेरे पास फोन नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। राजस्थान पुलिस से वहाँ कर वहाँ पर आपकी जांच के लिए यहाँ के लोग, पुलिस भी आई थी, कितनी बार आपका मिलना हुआ पुलिस से? 2 बार जो पुलिस आई थी वो मुझसे नहीं मिली थी। 3री बार जो पुलिस आई थी उन्होंने मेरे बयान लिए थे लेकिन इसके भाई की मौजूदगी में लिए थे वो बयान। और तब वहाँ 6 वकील भी शामिल थे, उन सबके सामने उन्होंने मेरे बयान लिए थे। अच्छा, वहाँ आपको ना टॉर्चर किस तरीके से करते थे, मतलब किन किन चीज़ों के लिए प्रेशराइज करते थे? जैसे आपने अभी बताया कि गोमांस खाने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए, गोमांस खाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, उनके रहन सहन उनकी तरह से रहने के लिए, पूरा मुस्लिम धर्म अपनाओ और हमारी तरह रहो। मैंने मना किया कि मैं मुस्लिम नहीं रहूँगी क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू ही रहूँगी। अब आपकी क्या मांग है पुलिस से और यहाँ, मतलब क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं? मेरी यही मांग है कि मेरे घर वालों को जान का खतरा हो सकता है और वो ऐसा कोई काम नहीं करें कि मेरे और मेरे परिवार को तकलीफ झेलनी पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें उनसे प्रोटेक्शन मिले ताकि वो मुझे और मेरे परिवार को ज़िंदगी में कभी तंग ना करें।